सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। अनवांटेड किट को लेने के बाद आपके पीरियड साइकिल कब आते हैं, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैंप चैलेंज, और इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अनवांटेड किट को लिया है तो आपके पीरियड साइकिल कितने टाइम बाद आते हैं। तो बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, अनवांटेड किट को अगर आपने ले लिया है तो आपको पता होगा, ये देखिए ये अनवांटेड किट की टैबलेट हैं और इसमें आपको 5 टैबलेट देखने को मिल रही है। पहली टैबलेट मिफेप्रिस्टोन की होती है और बाकी की जो 4 टैबलेट हैं ये मिजोप्रोस्टोल की होती हैं, और इस किट का यूज़ अबॉर्शन के लिए होता है। ठीक है, जो इस किट में गाइस पहली टैबलेट है मिफेप्रिस्टोन, ये प्रोजेस्टेरोन को इनहिबिट कर देती है, मतलब ये प्रोजेस्टेरोन के एंटागनिस्ट होती है, और एक तरह से आप मान सकते हैं कि इस टैबलेट को लेने पर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट होती है। ओके, आगे जो ये 4 टैबलेट हैं मिजोप्रोस्टोल की, इस टैबलेट को लेने पर जो आपकी यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। आप सपोज करें कि ये आपकी यूट्रस है, ठीक है, यहाँ पर जो एग है वो इम्प्लांट हुआ है, जब आप इस टैबलेट को लोगे तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, और ये बच्चेदानी का मुंह है आगे से, ठीक है, जो भी अंदर का मटेरियल होगा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अंदर का मटेरियल बाहर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूट्रस एक मसल्स ऑर्गन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स भी होता है, ठीक है। तो जब आप इस टैबलेट को लोगे मिजोप्रोस्टोल को तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जो प्रेगनेंसी का मटेरियल होगा वो कॉन्ट्रैक्शन के कारण बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो गाइज अब बात आती है कि अनवांटेड किट को लेने पर आपके पीरियड साइकिल कब आते हैं। तो गाइज देखिए, जब अबॉर्शन होता है तो यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं, ये श्रेड होती है, और कंप्लीट अबॉर्शन होने के दौरान जो लेयर बनी थी प्रेगनेंसी के लिए वो श्रेड होती है, ब्रेकडाउन होकर जो भी अंदर का मटेरियल होता है वो शरीर से बाहर जाता है, ठीक है। तो आपका अगला पीरियड साइकिल इस बात पर डिपेंड करता है कि जो अंदर की लेयर थी वो कब बनती है और आपको ओवुलेशन पीरियड कब आता है, ठीक है। और ये जो पीरियड है ये कम से कम 4 से 6 वीक्स के बीच में हो जाता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने अनवांटेड किट को लिया है और अगर आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है तो आपको यूजली पीरियड 4 से 6 वीक्स के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो जाता है तो आपको 14th डे पर अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए ताकि आप कंफर्म कर सकें कि आपका जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।